ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा कितने भक्तों का उद्धार करते हैं, कितने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं। तो आज हमारे साथ सोनिया दी आई हुई हैं और उनसे बात करते हैं कि बाबा ने इनके जीवन में क्या अनुभव किए और बाबा से वो कब से जुड़ी हैं। दी, आप बाबा से कब से जुड़ी हैं? 1990 से। अच्छा, तो बाबा ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ किया होगा। हाँ, बहुत कुछ किया। हमें इंडिकेशंस बहुत मिलते थे, बहुत इंडिकेशन, जैसे कुछ होने वाला है तो पहले ही वो हमें बताते थे कि कॉशन रहना। अच्छा। तो इस वजह से हम कॉशन रहते थे और जो भी कोई मिरेकल्स हुए वो घर में या कहीं और, मतलब बहुत सारे हुए हैं। हाँ। तो कोई बताइएगा, जैसे मैं कोई दवाई खाने वाली थी, कल की बात है, तो बाबा की तस्वीर गिर गई। अच्छा। तो अपने आप गिरी, तो वो ही मैंने देखा, पता नहीं किस वजह से गिरी, तब मैंने अपने हाथों में देखा तो वो डबल दवाई थी। तो बाबा ने बोला तुम दूसरी दवाई खाओ, तुम ये क्यों खा रहे हो। ओहो, कितना बड़ा बाबा ने चमत्कार किया। देखिए एक बाबा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं कि उनको पता है अगर ये दवाई खा लेंगी तो इनको रिएक्शन कर सकती हैं, लेकिन बाबा ने अपनी आप के और आज मंदिर का भी अनुभव कोई। हाँ, मंदिर में जब भी बाबा मैं बाबा को देखती थी तो बाबा बस अपने आशीर्वाद देते थे और आंखों में उनके आशीर्वाद से मुझे सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? 1990 से। अच्छा, बहुत लंबा है। 8 मार्च 1990 वो याद है। अच्छा अच्छा। और शिरडी भी जाते होंगे? शिरडी जाते हैं। अच्छा, और कुछ अनुभव बाबा का? बाबा का अनुभव यही है कि वो मैं हमारे साथ ही होते हैं, कहीं जैसे मैं अकेले में जा रही हूँ तो मेरे साथ रहते हैं, तो कैसे जाना है वो उसी वक्त, कोई जैसे स्कूटर नहीं मिला तो वो ज़्यादा पैसे मांगते, तो फिर मैं कहती हूँ बाबा कोई देखो कोई है आपके जैसे कोई ही जो ज़्यादा पैसे नहीं मांगे, तो फिर वो भेज देते हैं और वो कहते हैं आप पैसे का मत मांगो, हम आपको ले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं मतलब पल पल बाबा आपकी चमत्कार करते हैं आपके साथ। कहते हैं ना कि मन में भाव और श्रद्धा होती है तो बाबा चमत्कार करते ही करते हैं। जब हम बाबा से इतना प्यार करते हैं, कहते हैं ना कि जब हम इतना प्यार करते हैं तो उससे कहीं डबल तिगना बाबा हमसे प्यार करते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं दी? हम बंगाली मार्केट में रहते हैं। अच्छा, बंगाली मार्केट में रहते हैं। तो आप कुछ साईं भक्तों के लिए कहेंगी? बस उनके वो सब्र रखो और श्रद्धा रखो, बस ये दो चीज़ें रखो जीवन में। और बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं, सबकी ज़रूर लेते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, सबकी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है कि बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि बाबा ऐसे ऐसी परीक्षाएं ले लेते हैं कि वो देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करता है या नहीं। लेकिन हमने दृढ़ विश्वास करके बाबा पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और डगमगाना नहीं है। कहते हैं ना अगर डगमगा गए तो बाबा के चमत्कार कैसे होंगे। जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है वहीं बाबा के चमत्कार होते हैं। तो मैं सोनिया दी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि दी हमसे जुड़ी और बाबा के बारे में, बाबा के अनुभव के बारे में बताया। तो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।